बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एन टी एस टेस्ट मात्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इकनॉमिक एम सी क्यूज का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं। 6 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर इकनॉमिक्स के प्रीवियस पेपर्स भी पड़े हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं, उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। तो आज के क्वेश्चन देखिए, आज के हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट हैज टू बी कवर्ड बाय अ फर्म टू कंटिन्यू इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कौन सी कवर करने पड़ेगा? एवरेज वेरिएबल कास्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एवरेज वेरिएबल कास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Which of the following concept is used to show operation of laws of return? قوانین حاصل اس کو کہتے ہیں اور there are 3 laws of return: increasing law of return, decreasing یا diminishing law of return and constant law of return. تو کہتے ہیں کہ اس میں وہ کون سا concept ہے جو استعمال ہوتا ہے؟ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्शन डी जो है ना, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो एवरेज रेवेन्यू, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ अ बॉन्ड पेइंग 5% इंटरेस्ट इज सोल्ड 100 रुपए। अगर एक बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है 5% है, वो 100 रुपये पर बिकता है, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स टू 4%। यहाँ पर जो बात आपने याद रखनी है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट। ये बात याद रखें, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसिस एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड। यहां पर क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ 4 से 5 से 4 हुआ, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो 100 से इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिक्रीज तो इनवर्स रिलेशन है तो इंक्रीज हो गया, 100 से अबाव होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ कंजम्पशन फंक्शन रन्स अलॉन्ग द 45° लाइन, सेविंग फंक्शन विल बी। यहाँ पर आपको कंजम्पशन फंक्शन का पता होता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। सिमिलरली सेविंग इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पर 2 और बातें भी आपको याद रखना चाहिए कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये चीज़ें। जिस तरह के MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फार्मूला कैसा है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई। MPC इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन वाई। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, लाई अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, ये चीजें तमाम की तमाम आपको आनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज की वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।